बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाज अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। जी, इलेक्शन 2024 जिसकी पोलिंग 8 फरवरी को होनी है और ऑलमोस्ट 7 दिन रह गए हैं। बड़ा इस टाइम गहमागहमी शुरू हो चुकी है, इलेक्शन कंपेन जोरों पे है। और अगर हम बात करें कि नून लीग को, जैसा कि हम पहले भी कहते रहे हैं कि बिल्कुल जनाब फ्री हैंड है हर तरफ से, और उसके अगेंस्ट जो पीटीआई है उस वो बिल्कुल दीवार के साथ लगाई नहीं गई बल्कि दीवार में चुनी जा चुकी है। और हम इस वक्त मौजूद हैं हल्का NA 58 से, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं मेजर रिटायर्ड तायर इकबाल साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इंतखाबी निशान शेर पर पंजा आजमाई कर रहे हैं। और 8 फरवरी को क्या रिजल्ट देंगे, इस वक्त हम इनसे खसूसी इंटरव्यू के लिए बैठे हैं। मेजर रिटायर्ड तायर इकबाल एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं हल्का NA 58 से, आगे पूरे मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट तलागंग की बात करूं, तो इनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई खुदा नखास्ता कोई ऐसा इन पे एलिगेशन नहीं है। दीनदार शख्सियत हैं और हल्का में अपने वोटर से आज के नहीं बल्कि पिछले 2 अशरों से ये अपने वोटर के साथ रबते में हैं। और इससे पहले भी जब जनरल रिटायर अब्दुल मजीद मलक साहब, माशाल्लाह वो 5 दफ़ा MNA मुंतखब हुए थे, वफाकी वजीर है, मेजर रिटायर तायर इकबाल साहब जो है 2002 के इलेक्शन में MNA मुंतखब हुए, 2013 के इलेक्शन में MNA मुंतखब हुए, वफाकी वजीर रहे हैं। और इसके अलावा इनकी अपने हल्के में बहुत अच्छी साख है। जी मेरे साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद नबी वसल्लम तस्लीमा। जी फरमाइए जनाब। आप ये बताएं कि इस वक्त आप इलेक्शन के बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स में हैं, अब एक हफ्ता रह गया पोलिंग को। आपकी कंपेन, जाहिर है हर कैंडिडेट कहता है मेरी कंपेन बहुत अच्छी जा रही है और मैं बहुत अच्छे रिजल्ट दूंगा, यकीनन आप भी कुछ ऐसे ही कहेंगे। देखें जी, बात यह है कि नो डाउट इस दफा टिकट थोड़े लेट हुए हैं जी, और कंपेन पहले 2-4 दिनों में काफी स्लो थी, क्योंकि उससे पहले जब भी हम कंपेन के लिए जाना चाहते थे या लोगों मिलते थे, वो कहते मेरे साथ टिकट का फैसला तो होने दो। जी जी, तो इसलिए थोड़ा डिले हुआ, लेकिन 3-4 दिन के बाद आज हमारी कंपेन बहुत अच्छी जा रही है और उसको कहते हैं सिंपली टेक ऑफ कर गई हमारी कंपेन। और हम दिन में 7-7, 8-8 प्रोग्राम्स कर रहे हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं। लेकिन इस वक्त जो मैंने देखा है पिछले 10 दिनों में, आप कि जितने जलसे मैं कर रहा हूं हर जगह पे, बहुत सारे, यकीन माने बहुत सारे PTI के लोग कह रहे हैं मेरे साहब हम आपके साथ चलेंगे, सिर्फ नहीं हम पूरा ग्रुप आपके साथ चलेंगे। और इसी तरह सरदार साहब का हमारे साथ जो इलाक हो गया चकवाल में जी, ये चकवाल की सियासत में एक बहुत अहम वोट है और उससे हमें बहुत तकवीत मिली है। और मेरा ख्याल है कि अब जो कंपेन है दोनों, और एक चीज देखने में आया कि सरदार साहब के जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं भरपूर तरीके से कंपेन कर रहे हैं हमारे लिए जी। तो अब जैसे आप पता है, मैंने 2013 में 1,29,000 वोट लिया जी, फिर 2018 में 1,31,32,000 वोट लिया जी। सो उस वजह से मैं समझता हूँ कि वो वोट बैंक मेरा अपनी जगह पर कायम है, इंटैक्ट है, वो इंटैक्ट है, बिल्कुल इंटैक्ट है। कोई हमें कोई खबर नहीं कि हमारा कोई आदमी नाराज हो के दाएं बाएं गया हो। लेकिन बेशक आवाम तो बहुत ज्यादा नाराज थी PDM की हुकूमत में जो कुछ हुआ, खासकर हम महंगाई की अगर बात करें, बाकी इशूज जो पोलिटिकल इशूज हैं उनको साइड पे रखते हैं, तो आवाम ने बहुत ज्यादा सफर किया। आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है? देखें जी, ये बात वाजिया है जी कि मुस्लिम लीग ने कौम की खातर, इस मुल्क की खातर रिस्क लिया, मुश्किल फैसले किए, मुश्किल फैसले किए। और अगर हम ये मुश्किल फैसले ना करते, शहबाज शरीफ शाह हुकूमत में ना होते, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका होता। और डिफॉल्ट के बाद आपको पता है कि मुल्क को दोबारा पटरी पे चढ़ाना कितना मुश्किल है। इसलिए मुस्लिम लीग ने कुर्बानी दी। PDM में मुझे अफसोस है कि PDM के सारे मिनिस्टर जो तगड़ी मिनिस्टर थे जिनके पास, अब वो कहते हैं ये तो मुस्लिम लीग का काम था जी, वो करते किया हमने जी, और वो काम ऐसा था जो लोगों को नजर नहीं आया, लेकिन ये जो पाकिस्तान की माशी किश्ती डूब रही थी
उसको हमने सहारा दिया और बचा लिया और इन फैसलों में वो शामिल भी रहे हैं ना जी, बिल्कुल शामिल रहे हैं जी, जाए की है। और उस वक्त कहते थे शहबाज शरीफ तो बहुत जबरदस्त आदमी है, काम करने वाला है, और शहबाज शरीफ काम करने वाला है। मैंने खुद उनको देखा, 8-9 माह मैंने उनके साथ काम किया है, सुबह 8 से लेकर 1:30-2 बजे तक काम करते हो। सो ये बात वाजिया है कि मुस्लिम लीग जो है, और अब मियां नवाज शरीफ साहब भी आके, तो मुस्लिम लीग इंशाल्लाह डिलीवर करेगी आपको। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जिस मुसीबत में इस वक्त है, उसमें से निकालने के लिए मियां नवाज शरीफ इज द बेस्ट कैंडिडेट। अच्छा जी, हम अभी फिर लोकल पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। एक जो हल्के में भी ये बहुत ज्यादा चीज सामने आ रही है कि पहले होता ये था कि चलें जी मेजर तारिक इकबाल साहब खड़े हो गए हैं तो सरदार ग्रुप जो है उनको वोट नहीं करेगा। अब कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही, लगता है कि पूरी सपोर्ट जो है सरदार गुलाम अब्बास खान की आपको। देखिए जी, बात यही है कि सरदार गुलाम अब्बास का जो मैंने उनको खुद सुना है, जो उन्होंने लोगों को कहा है, उनके लोग अपने धड़ वो कहते हैं जी हमने सर धड़ की बाजी लगा दी है, मेजर तायर को और हैदर सुल्तान को हमने कामयाब करना है, चाहे उधर तीर असलम है, कि हमने इनको ऊपर नीचे वोट देने और हमारे में ऊपर नीचे वाले को हम मुकम्मल मुस्लिम लीग को वोट देंगे और शेर पे मोहर लगाएंगे। और इसी से मैं कह रहा हूँ आपको कि हमें बहुत तकवीत मिली है, और अगर ये मैं रिजल्ट सामने रखूं जो मेरा अपना था और अब ये सरदार साहब का, और फिर जो पोस्टल बैलेट आने हैं फौज वाले की तरफ से, उनमें से आधे तो हमें मिलेंगे, तो उस लिहाज से हमारा वोट बैंक इंशाल्लाह बहुत बढ़ेगा। और मैं कभी उम्मीद से हूं कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग चिपवाल में छक्का मारेगी। अच्छा मेर साहब, आज से कुछ दिन पहले, मैं एक हफ्ते की अगर या 10 दिन की बात करूं, हम चूंकि फील्ड के रिपोर्टर हैं तो हमें कुछ चीजें जो है वो सुनने को मिलती होती हैं, देखने को मिलती हैं। एक आवाज आ रही थी कि ऊपर जो है वो ऊपर का वोट उधर, नीचे का वोट इधर, ऊपर तले की एक बात हो रही थी, ठीक है जी, उस पे आपने कुछ वर्किंग की है, आपने कुछ सुना है उस बारे में? देखें जी, ये अफवाहें चलती हैं और खास तौर पे जो आपकी अपोजिशन है वो इस तरह के अफवाहें चलाते हैं। अब वो कह रहे हैं सरदार के बंदे वोट नहीं देंगे जी, ये नहीं होगा, वो ऐसे ही कर रहे हैं, ऊपर नहीं, ये प्रोपेगेंडा है अपोजिशन का। जो हमारे खिलाफ कैंडिडेट है वो हमारे आपस में तफरका डालना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ऊपर नीचे की बात नहीं, कई जगह होता है, कई जगह होता है लोग नाराज होते हैं, नहीं जी हमने इनको वोट नहीं देना, जाती कोई रंजिश हो सकती है, लेकिन हमने कोशिश की है, मैं तो जाती तौर पे हमेशा कोशिश करता हूं कि कोई जाती रंजिश ना किसी से बने, ना हम लोगों को थाने कचहरे के चक्कर में डालते हैं, हम अपने तौर पर जो खिदमत हो सकती है लोगों की करते हैं। सो इसलिए ऊपर नीचे का कोई हो सकता है 2-3 हजार ऊपर नीचे, ये हर इलेक्शन में होता है, यानी ये कोई वेव नहीं है, ये नंबर है, ऐसी थोड़ी ऐसी परसेंटेज हो सकती है, परसेंटेज हो सकती है 2-3 हजार वोट ऊपर, लेकिन अदरवाइज जो इस वक्त तक मैं समझता हूँ कि वोट शेयर को जाएगा और लोग शेयर पे मोहर लगाने के लिए गया। अच्छा मेरे साहब, एक बहुत बड़ा जो एज ले रही है पीटीआई, जो आपके अपोनेंट इस वक्त उम्मीदवार भी हैं थ्रू आउट पूरे मुल्क में, बात कर रहा हूँ, वो है नौजवानों का वोट, कि जो यूथ है वो क्लेम करती है आपकी अपोनेंट पार्टी के यूथ का सारा वोट जो है, सारा नहीं सही तो बहरहाल एक बहुत बड़ा वोट उनको पड़ेगा। आपने यूथ पे कोई काम किया है, उनके साथ आप रब्ते में हो गए? देखें जी, आप क्या कहते हैं कि यूथ क्या कहते हैं? हमारा अपना, मेरा अपना राय है जी कि हमारी यूथ भी कमजोर नहीं है। हाँ ये है, अच्छे बच्चे हैं, बदतमीजी नहीं करते जैसे आपको पता लगे कि ये फलानी पार्टी की, ऐसे ही है, वो हर वक्त गाली गलौज के चक्कर में और नेगेटिव वो करते हैं, अपना प्रोपेगेंडे करते हैं। यूथ हमारी भी बड़ी तगड़ी है और इंशाल्लाह हम यूथ के साथ, हर जलसे में यूथ आई होती है और उनके साथ हमारी बातचीत हुई है, सब कुछ होता है और वो भरपूर तरीके से अपनी कंपेन अपने तौर पर यूथ खुद भी लगी हुई है कि वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि यूथ की जिम्मेदारी लगाएं कि जो माएं बहनें बेटियां खुद नहीं आ सकती हैं, उनको लेके आए घरों से, मरीजों को घर और आके वोट कास्ट कराएं, तो वो अब ये सारा प्लान करेंगे और यूथ भरपूर तौर पर हमारी जो है वो मुकाबला करेगी। और ये मैं मान नहीं सकता कि हमारी यूथ नहीं है, वो कह रहे हो हाँ उनकी यूथ है, आपको ज्यादा इसलिए नजर आती है कि वो हर वक्त यूट्यूब पे कुछ ना कुछ उल्टा पाड़ रहे होते हैं,
जिसकी वजह से लगता है कि भाई वो बहुत पॉपुलर यूथ है। नहीं, हमारी यूथ भी है और इंशाल्लाह हमें यूथ के वोट मिलेगा। अच्छा मेरे साहब, एक वीडियो, एक क्लिप वायरल हो रहा है, वो यकीनन हमने भी उसको पूरा देखा है, और जो पीस है कट जो किया हुआ है उसमें आप पर वो एक आप कह रहे हैं कि ऊपर खुदा है और उसके बाद नवाज शरीफ है, हालांकि इसको पूरा देखा जाए तो वो उसकी बात समझ में सारी आती है। तो ये कभी हमारे जो चकवाल की पॉलिटिक्स है, हमारी डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटिक्स है, इसमें कभी ऐसा नहीं होता था, बड़ी रवादारी और वजादारी से पॉलिटिक्स होती थी, कंपेन होती थी, इस पे आपका क्या रद्द अमल है? देखिये, ये बात यह है कि मैं अपने आप को शायद बड़ा कमजोर मुसलमान समझता हूं, लेकिन रब ताला की जो एक अपनी अदा है, जो उसकी शान है, उसमें मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता, ना मैं सोचता, ऐसे ही ये कुफर के बराबर है जी। अब ये लोगों ने क्लिप काट के लिख दिया है मेरा, अगर आप क्लिप ओरिजिनल पढ़ देखेंगे देखा। तो आपको अंदाजा होगा। अच्छा, मुझे ये जो है ना, ये वीडियो शूटिंग इधर करना, व्हाट्सएप, ये यूट्यूब, मैं ज्यादा पॉपुलर नहीं उसके साथ, ना मैं ज्यादा चलता हूँ। बहरहाल हमने इसका जवाब दिया है जी। और मैंने ये कहा कि अल्लाह के बाद एक हस्ती है या एक लीडर है जो पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल सकता है जी, वो इसमें इसमें कुफर की बात है। तो मुझे बता दे, मैं बड़े एहतियात से अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, मैं डरता हूं अपने रब से कि कोई ऐसी गुस्ताखी ना हो जाए जो किसी ऐसे जुमरे में आ जाए कि लोग मुझे कहें जी ये क्या मुसलमान है। लेकिन जो लोग ये करवा रहे हैं जी, उनके करतूत तो आपको पता है, वो कितने एक मुसलमान है और क्या कुछ करते हैं, मैं सबको जानता हूं। लेकिन मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता और ना ही कोई ऐसे अल्फाज दूसरे कैंडिडेट के इस्तेमाल करना चाहता हूं कि जिससे उनको मैं बदतमीजी के जुमरे में आ जाए जी। ऐसे लिहाजा सर, वैसे भी कोई पैमाना तो है कोई नहीं, क्या देखिए जी, ये बदबख्ती है चकवाल की जी, कि हमारे लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है कि क्लिप काट के, वो उनका उनके 13-14 साल की प्रैक्टिस ही यही है, उनको ट्रेन इसीलिए किया गया था और वो अपने ट्रेनिंग का भरपूर फायदा उठा रहे हैं उस वक्त जिन्होंने ट्रेन किया है कि वो इस तरह की क्लिप चला रहे हैं। अब वो तनवीर असलम के खिलाफ कह रहे हैं कि जी वो तो खत्म नबूवत नहीं मानता जी, यार खुदा का खौफ ऐसे क्या है? नहीं, ऐसे नहीं है, हम मुसलमान हैं और अल्लाह के फजल से अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतलब किसी के अकीदे पे इस तरह हिट करना ये जाती है। आप इंडिविजुअल आदमी के ऊपर कुफर का फतवा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको खत्म नबूवत के उसमें जुमरे में लेके आ रहे हैं, नहीं ये नहीं होना चाहिए। आपने इलेक्शन लड़ना सीधा लड़ो, जड़े जड़े पिड़ा चलो वो इलेक्शन लड़ो। अच्छा सर, 5 इलेक्शन आपने जनरल साहब के भी देखे, जाहिर है आप उस वक्त फील्ड में होते थे, देख रहे होते जी, बिल्कुल था मैं। फिर आपने 2002 के बाद फिर 8 हो गया, 13 हो गया, 18 हो गया और अब 23 हो गया, क्या आपने कोई ऐसा इलेक्शन देखा है जिसमें इतनी ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई हो जो आज हो रही है? इसके आप क्या कहेंगे? उस वक्त जो था सिस्टम हमारा सारा वो बहुत अच्छा था, एक दूसरे की तनकीद भी हुई तहजीब की तरह, किसी के खिलाफ कोई जाती कमेंट्स नहीं है, पॉलिटिकल कमेंट्स तो होते हैं, उसके बगैर तो इलेक्शन चलता ही नहीं जी, जी, जी। तो ये जो अब सिस्टम आ गया है, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन ये जो पीटीआई ने अपने नौजवानों को जो तरबियत की है, ये उसका सिला है कि ये लोग इस तरह की गड़बड़ कर रहे हैं, जो एक मैं समझता हूं कि मुल्क में पॉलिटिकल सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन होते हैं, आपने लड़ना है, ये तो वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान की बुनियादें लाकर रखती हैं। आप 9 मई का जिक्र, मैं 9 मई का जिक्र कर रहा हूं कि इन्होंने पाकिस्तान की बुनियादें हिला के रख दी है और कमेंट हमें हमारे खिलाफ ये दे रहे हैं, यारा इलेक्शन लड़ो, लड़ने अपना मेसा। मैं इस तनाजर में बात करूं, चले 9 मई के वाकयात हुए वो काबिले मुजम्मत है, उन पे एक फौजी अदालतों में भी प्रोसेस चल रहा है और बंदे जो हैं जेलों में हैं और भी होने चाहिए जिन्होंने ये किया है। मैं इस तनाजर में बात कर रहा हूँ कि जो अभी हम हमारा एक छोटा सा हल्का है, हल्का NA 58 की अगर मैं बात करूँ, 59 की भी करूँ, तो यहाँ पर PTI के खिलाफ जो क्रैक डाउन हो रहा है, जहां पे उनकी गैदरिंग होनी होती है पुलिस वहां पहुंच जाती है, लड़के झंडा उठा के PTI का बाइक्स पे हैं, पीछे पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं,
चादर और चारदीवारी का तकद्दस भी पामाल हो रहा है। आप चूंकि माशाल्लाह एक जीरक और सबसे बड़ा जो एज है आपको कि आप एक रिलीजियस पर्सनैलिटी है, तो आप इस पे क्या कमेंट करेंगे, कैसा क्या ऐसा होना चाहिए? देखें जी, पाकिस्तान की मैंने अभी आपको कहा जी यासी कि ये पीटीआई वालों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर, ऐसे फिजा क्रिएट कर दिया है कि अब जो कुछ ये लोगों के साथ करते रहे हैं, ये मकाफाते अमल कहना चाहते हैं, आते अमल है जी, ये उनके सामने आ रहा है। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि मैंने किसी को नहीं कहा इसके पीछे लग गया इसको पकड़ लो, ऐसे नहीं, ये नहीं सियासत है। आप खुले मैदान में उतरे, अपनी इलेक्शन लड़े, हो रहा होगा, मुझे इलम नहीं क्या लोगों को पकड़े नहीं, वो क्यों रहा है। ठीक है, आपने अभी बात की, लेकिन ऐसे जो गली मोहल्ले के लोग हैं इनका तो 9 मई से तल्लक ही कोई नहीं है ना? नहीं जी, बहुत सारे लोगों का तल्लक है, वो ऐसे किसी आदमी को नहीं पकड़ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हर वक्त नारे लगाते थे और हर किस्म की अल्फाज इस्तेमाल करते थे आर्म फोर्सेस के खिलाफ जी, ठीक है ना। वही बाजवा था जिसका कहता हो ऐसे ऐसे तो जनरल को नहीं जी, जो उसने कहा मैं सियासत में हिस्सा नहीं, क्या ये तो है ही गद्दार है जी जी, तो आप उन लोगों से क्या चीज बाहिद है, वो क्या कुछ नहीं कहेंगे जी। ये तो भाई साहब चूंकि आप भी आर्मी में रहे हैं और ये तो एक सीधी सी बात है, इस पे हम कोई कमेंट लंबा चौड़ा करना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि जब इमरान खान सुपर डुपर था तो नून लीग जेरे अताब थी, आज नून लीग सुपर डुपर है, इमरान खान जेरे अताब है, तो ये सिलसिला वैसे खत्म होना चाहिए। आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान में सियासी माहौल ऐसा रहना चाहिए कि इलेक्शन के बाद हम एक दूसरे को सलाम करने के काबिल हो, गले भी मिल सकें, ताकि ये ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई शुरू कर दें। ये माहौल पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग ये करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन जब आप एक आदमी को जिसका किसी चीज का तजर्बा नहीं है, ना कभी किसी दफ्तर में गया है, ना कोई धंधा कारोबार है, ना कोई और एक्सपीरियंस, हाँ क्रिकेट का एक्सपीरियंस था, लेकिन क्रिकेट से मुल्क नहीं चलते जी, क्रिकेट के एक्सपीरियंस से मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क चलता है जब आपने, अब मैंने 25 साल नौकरी भी की है, पिछले 30-35 साल से सियासत में है, तो कुछ सीखा है डेफिनेटली, और खास तौर पर जनाब वजीर जैसे लीडर के साथ चल के बहुत कुछ सीखा है हमने, और उन्होंने मुझे अपना सियासी वारिस बनाया। तो अब ये है कि ये लोग सीखते भी कुछ नहीं है और सीखने की कोशिश भी नहीं करते। अच्छा जी, जनरल साहब का धड़ा आज तक इंटैक्ट है, उनकी जो मेहनत थी, आप कहना ये इस पे कोई कमेंट करेंगे कि आप अब तक उस धड़े का या उनकी जो मेहनतें थी, कोशिश थी, आप फ्रूट उसका ले रहे हैं? देखिए जी, बात ये है, उनकी बहुत सारी मेहनतें थी, मिस्लिम असगर ने अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार किया, आप वो सारे जानते जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग उस वक्त के हमारे साथ चल रहे हैं 85 से, और मैंने भी कोशिश की कि इनको साथ है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ग्रुप डट के हमारे साथ खड़ा है, आज भी डट के खड़ा है, इलेक्शन में दिन रात भाग रहे, आप सोच भी नहीं सकते कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, और अपने तौर पर कर रहे हैं, हमसे कोई गाड़ी कोई पैसे कोई ये नहीं कर रहे, अपने तौर पर सारे काम कर रहे हैं। तो ये ग्रुप मजबूत हुआ खास तौर पे मेरे साथ और ज्यादा जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में हमने कहा जी हम अपना कैंडिडेट जिला चेयरमैन के लिए खड़ा करेंगे, तो उस वक्त हमारे दोस्तों ने कहा कि मैं जैसे आप इलेक्शन लड़ना सा, तो मैं क्या मैं लड़ सा, तो उनके कहने पे हमने ये एक कदम उठाया, और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद से हमारा ग्रुप और मजबूत हो गया कि नहीं यार ये तो अपनी जगह पे खड़े होने वाले लोग हैं। तो जनरल साहब की अपनी एक पर्सनैलिटी वो थी, मेर साहब की पर्सनैलिटी, ये सारे फिर पीछे नईम साहब यहाँ पे थे, 11 साल उन्होंने लगाए खिदमत की है लोगों की, तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो बना है उसकी वजह से हमारा ग्रुप अब तक डट के खड़ा है। और चकवाल में हमेशा जनरल ग्रुप और या PMLN का और सरदार साहब का मुकाबला रहा है, लेकिन अब हम चूंकि सारे इकट्ठे हो गए, मुस्लिम लीग की छतरी तले आ गए, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अच्छा मेजर साहब, मेजर सॉरी जनरल साहब का टेन्योर देखा जाए, आपका भी देखा जाए, एफिलिएशन भी पार्टी के साथ देखी जाए, एक बड़ा लंबा पीरियड है, लेकिन क्या मुझे आप अपने हलके में होने वाला कोई बड़ा काम बता सकते हैं? देखें जी, काम तो बहुत हुए हैं,
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नो डाउट के स्वावा चकवाल मदर चकवाल राजा प्रेयर शुरू की, उन्होंने सिर्फ 3 अरब रुपया उसके लिए रखा जी। हम जब आए तो मैंने मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर से बात करके, आप देखेंगे कि 17 अरब रुपया इन दो सड़कों पे लगा जी। चकवाल में आप देखेंगे कि कितनी सड़कें, कितने कम से कम 250 किलोमीटर सड़कें मुख्तलिफ जो कारपेट हुई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का है सारा काम है, और उसमें बहुत सारी सड़कें मैंने अप्रूव कराई हुई है जी जी। ठीक है जी, बिशक आप देख लें डोरे टू जान, फिर जान टू मुलियाल, मुलियाल से फिर वीर मंगल। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा आपका एक जो मुझे बड़ा काम याद पड़ता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के हवाले से आपने बड़ा काम किया था, इस यूनिवर्सिटी में आपका भी बड़ा रोल है और इसका एतराफ जो मिनिस्टर थे एक्स राजा यासर सरफराज खान, उन्होंने बड़ा आपको एक्नॉलेज किया था। अभी ये जो यूनिवर्सिटी है बन गई है, आप इसके लिए मजीद क्या सोचेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ आपका अब फोकस क्या है कि अगर आप कामयाब हो गए? मैं दो तीन चीजों पर बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस है। एक, सबसे पहले कैसर मजीद साहब ने भी चीफ मिनिस्टर को हार्ड इन लेटर लिख दिया हुआ है कि हमें कार्डियोलॉजी सेंटर चाहिए, जिस तरह आरएसी है पिंडी में इस तरह के, क्योंकि हमारे मरीज बेचारे यहाँ से जाते रहते हैं मदर के पास, उनके पास की हो जाता है। दूसरा, मैं चाहूंगा कि चकवाल में गैस का अगर गवर्नमेंट खोलती है तो चकवाल में बहुत सारे इलाके हैं बेचारे जहाँ पे बिल्कुल, अब आपको हम 2-2.5 सालों से सर एक नए मीटर पे भी पाबंदी है, पाबंदी वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। इसलिए मैंने लोगों को कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से कोशिश है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजाजत दे देगी तो फिर मैं आपके लिए गैस के प्रोजेक्ट लेके आऊंगा, उससे पहले मैं आपसे झूठा वादा नहीं करता। तीसरा, हम चाह रहे हैं कि चकवाल में जो आपका ये हॉस्पिटल है इसको फर्दर अपग्रेड किया जाए, और जो नया हॉस्पिटल हमें गवर्नमेंट ने दिया है अभी तक बना नहीं है वो बन जाए, ताकि हमारे पास 400 बेड की कैपेसिटी हो। तो उसके लिए फिर हमने सुभाष जी पिछली दफा आए थे, मैंने कहा था मेडिकल कॉलेज भी दें हमें अस्पताल के साथ, उन्होंने कहा मेरे साथ पहले हॉस्पिटल बन जाए, टीचिंग हॉस्पिटल होता है वो बन जाए तो फिर हम आपको बड़ा हॉस्पिटल आपको हम मेडिकल कॉलेज भी देंगे। सो मेरा ये है कि अगर एक और यूनिवर्सिटी भी आ जाए, मैं चाहूंगा कि ये जो हमारा कैंपस बना हुआ है यूनिवर्सिटी वाला जी, या फुल फ्लैज हमारा कैंपस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी चले जी, ठीक है, ठीक है जी, ताकि हमारे बच्चों को उधर ना जाना पड़े बाहर की यूनिवर्सिटियों इंजीनियरिंग एजुकेशन। आप बलका सर कैंपस, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमें पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस मिले, क्योंकि पंजाब जो मैं कोशिश करता रहा हूँ 3 साल वो यही थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस मिले और हम जो है अपने बच्चे बच्चियों को यहाँ तारे, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में रिकग्नाइज दुनिया में रिकग्नाइज है, जहां बंदा कोई पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके जाएगा उसको वहां जॉब भी मिल जाएगी और रिकग्नाइज होती है। अच्छा सर, जब आप हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक चीज आती है कि आप भी आर्मी में रहे हैं और चकवाल मार्शल एरिया है, जब भी हम कोई टीवी प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो पहले हम कहते हैं कि ये शहीदों और गाजियों की सरजमीन है, तो जो फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल है वो तो कलर कार में है और चकवाल जो है वो हब है, क्या ये मुमकिन है कि आप एक कोशिश करें? और ये अजम साहब, बात ये है कि कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं, मैंने और कर्नल असर है हमारे ढोकर सोलियां जी, हमने तकरीबन एक प्लान पूरा चढ़ा दिया था फट्टे पे, और उसमें हम कह रहे थे कि अगर आप देखेंगे चक नवांग के पास यहाँ सरकार की कुछ 46 कनाल जगह हुई, बहुत सारी हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट सेंटर बने, ठीक है, जनरल हॉस्पिटल नहीं स्पेशलिस्ट सेंटर बने कि हर किसी का स्पेशलिस्ट यहाँ आए और या उधर से भेजे, और यहाँ के अस्पताल के लोकल जो है जनरल हॉस्पिटल से जो आदमी अपनी दवाइयां खाने वो जाके अगर कार्डियोलॉजी में जाना है, आपने आपने कैंसर का प्रॉब्लम है आपको किडनी, तो यहाँ स्पेशलिस्ट हो ताकि यहीं पर उनको चेक किया जा सकते हैं, मशीनरी अच्छी लगी हुई हो, ये हमारा था मुद्दा। लेकिन आखिर में जाके डीजी एफडब्ल्यूओ फौजी फाउंडेशन उसने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं। सो अब ये न्यू चीफ जो है माशाल्लाह बड़े अच्छे दीनदार लोग हैं और बड़े काम करने वाले हैं, इनसे हम अपना मुद्दा बयान करेंगे
और कोशिश करेंगे कि हम उनको कहें कि चिकवाल में हमें एक स्पेशल सेंटर बना दो। हॉस्पिटल तो है लेकिन अगर एक स्पेशल सेंटर बन जाएगा तो उसमें हमारी कामयाबी होगी कि हमारे लोगों को इस्लामाबाद और लाहौर जाना पड़ेगा। अच्छा मेर साहब, अब चूंकि हम यहाँ आपके पास मौजूद हैं, आपकी बातें सुनी हैं, आप इस वक्त अपनी इंतखाबी मुहिम में भी हैं, हमारे चैनल के तवस्सुत से आप कोई मैसेज देना चाहें अपने कैंपेन के हवाले से और चकवाल की तरक्की के बारे में। देखिए ये बात यह है कि मैं चकवाल के लोगों को बड़ा मशकूर है जो हमारा साथ दे रहे हैं और भरपूर साथ दे रहे हैं जी। और दूसरा ये कहूंगा दोस्तों कि मैं बड़ा कमजोर सा मुसलमान हूं, मैं कोई अल्लाह की हस्ती के बारे में या अंबिया के बारे में कोई गुस्ताख नहीं कर सकता। बराए मेहरबानी मेरी जी ओरिजिनल मेरी वीडियो है वो सुन ले और फिर आपको अंदाजा होगा कि मैं किस किस्म की बात करता हूँ जी। माशाल्लाह जी, मेर साहब का तो एक ये मैसेज आप तक पहुंच गया और हम खुद इसको विटनेस करते हैं कि उनका जो पूरा जो उन्होंने पूरी बात की है जिस सेंटेंस में की है जिस सेंस में की है वो आप लोग भी जरूर देखिएगा। इस तरह की करेक्टर एसेसिनेशन नहीं होनी चाहिए, ना ये हमारा किरदार रहा है, ना हमारे पॉलिटिशियन का किरदार रहा है, ना हमारी आवाम का इस तरह का किरदार रहा है। तो वो बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बड़ी मेहरबानी। और आप उम्मीद है कि हमारा इलेक्शन पूरे मुल्क का खसूसन चकवाल का बड़ा पुरअमन इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, शुक्रिया।